हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होममेड खुशी में। तो ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल। ये एक अलमारी यानी कबर्ड में ही मिरर लगा हुआ है। नीचे कुछ सेल्फ्स हैं जिसमें मैं अपने ड्रेसिंग का सामान रखती हूँ। क्योंकि इस कबर्ड में टॉप ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो यहाँ कुछ मैंने टॉप ऑर्गेनाइज़र का सामान भी बनाया हुआ है। आपको मैं खोल के दिखाती हूँ कि मैंने अच्छी तरह से कैसे इसे ऑर्गेनाइज़ किया है। कुछ DIY ऑर्गेनाइज़र भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आज का ये मज़ेदार वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह से हमारे ड्रेसिंग टेबल का सामान रहता है। सारी चीज़ हम एक ही चीज़ में डाल के रख देते हैं, चाहे वो काजल, आईलाइनर या कुछ भी सामान हो। हम इस तरह के एक ऑर्गेनाइज़र खरीद लेते हैं और उसमें सारा सामान डाल के रख देते हैं। सेकेंड बात होती है कि इस तरह की चूड़ी का, ये जो चूड़ी हम इस तरह से खोलते हैं, कुछ अच्छी अच्छी चूड़ीज रहती है जो इसमें रखने से टूट भी जाती है, ख़राब हो जाता है, और जब हमें पहनने का मन करता है तो इसमें से चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको हैक नंबर 1 बताती हूँ। तो चूड़ी को रखने के लिए आप इस तरह का खरीद सकते हो चूड़ी ऑर्गेनाइज़र। मैंने इसे एक मेले में ख़रीदा था, मतलब बहुत ही अच्छा है, लकड़ी का है, और इसमें आप अपनी चूड़ी को ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हो। एक तो ये टाइम पे मिल जाता है और ऊपर से चूड़ी में लगे हुए मोती वगैरह झड़ते नहीं हैं। आप इसमें मेटल के, शीशे के, डिज़ाइनर चूड़ी सारे आराम से रख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर चूड़ी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कुछ पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ मैं आपको छोटा सा DIY बताती हूँ। तो इस तरह का डिओड्रेंट तो हर किसी के घर पर रहता है, चाहे वो भरा हो या खाली हो। आप कोई सा भी डिओड्रेंट ले लें और उसके ऊपर आप चूड़ी को रख सकते हैं। जब भी पहन के खोलने का मन हो बस इसमें रख दीजिए। एक तो सारी चूड़ी आपको लाइन बाय लाइन दिखेगी, चूड़ी ख़राब नहीं होगी, और सेकंड सबसे अच्छी बात ये है कि आपका एक भी रुपया इसमें खर्च नहीं होगा। तो आप इस तरह से चूड़ी को डिओड्रेंट के डब्बे में ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो अब लाते हैं वही वाला डब्बा जिसमें हम सारे सामान रखते हैं। यहाँ मुझे लेना है अपने लिए इयररिंग्स, जो एक मिल गई है, दूसरी बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो हम इसी में खोजते रहते हैं, नहीं मिलता है, तंग आ जाते हैं। तो मैंने इसके लिए बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र अपने लिए मंगा के रखा है। तो यहाँ मैंने ख़रीदा है मेसो से ये बहुत ही क्यूट सा इयररिंग ऑर्गेनाइज़र। वैसे ये है तो इयररिंग ऑर्गेनाइज़र, लेकिन मैं इसमें रखती हूँ बहुत सारे ज़रूरी सामान। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपने इयररिंग्स को बहुत ही अच्छे से संभाल के रखा है। मतलब ये डब्बा निकाला, इयररिंग्स निकाला, पहना, जब पहन लिया तो वापस से इसी डब्बे में इसी में रख सकते हैं। इसमें इस तरह का सीट दिया रहता है जो आपके बड़े बड़े इयररिंग्स होते हैं उसे अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज वे में रखने के लिए। इस वाले पार्टीशन को मैंने निकाल दिया है ताकि मैं बड़े इयररिंग्स अच्छी तरह से रख सकूं। और आप देख सकते हैं कि मैंने इयररिंग्स के साथ साथ इसमें बहुत कुछ रखा है, लाइक बहुत सारे क्लचर, सुंदर सुंदर क्लिप्स जो मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। पहनती बहुत कम हूँ लेकिन ख़रीदना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र खरीद सकते हैं। और नहीं, अगर आप कुछ पैसे खर्च करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के लास्ट में बहुत ही अच्छा एक DIY भी बताने वाली हूँ। तो ये रही सेकेंड टिप्स, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। नाउ फिर से वही डब्बा लाते हैं जिसपे हम बहुत सारी चीज़ रखते हैं। लाइक देखिए, यहाँ बोरो प्लस है, सिंदूर है, काजल है, आईलाइनर है, ब्रश है, मतलब जो स्टैंड वाले सामान है हम उसे अलग कर रहे हैं और इसे हम इसमें नहीं रखेंगे। इसे हम किस में रखेंगे ये मैं आप लोग को बताती हूँ। हम इसे रखेंगे इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में या इस तरह के बड़े ऑर्गेनाइज़र में रखने से ये ईज़ली एक्सेसिबल होते हैं और ये बहुत ही ऑर्गेनाइज लगते हैं। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ और ये बहुत ही, इसका प्राइस बहुत ही कम है। ये 25 रुपीज़ की ये बड़ी वाली है, 20 रुपीज़ की छोटी वाली है। तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र खरीद सकते हैं अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज रखने के लिए और अपने ड्रेसिंग टेबल को सुंदर बना सकते हैं। और यहाँ मैं आप लोगों को एक छोटी सी टिप्स देना चाहती हूँ कि इस तरह की टिक टैक पिन आपका अगर आप यूज़ करते हैं और वो खो जाती है तो आप इसे इस तरह से अटैच करके रखिए। ये इसके खोने की चांसेस 50% कम हो जाती है। तो अब मैं फिर से वही डब्बा लाती हूँ और सारी चीज़ को निकालती हूँ और बताती हूँ कि इन सारी चीज़ों को आपको किस तरह से रखना है। तो मैं वही ऑर्गेनाइज़र बॉक्स ले रही हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें थी। अब मैंने लिया इस तरह का कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड से मैंने इस साइज का कार्डबोर्ड को काट लिया है। इसे कलर कर रही हूँ और आप अपने हिसाब से इसे कलर कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 कार्डबोर्ड लिया है और कलर करने के बाद मैं ग्लू गन से इसमें पार्टीशन कर रही हूँ।
मैंने यहाँ पर तीन पार्टीशन किया, यानी चार पार्ट हो गए हैं इस ऑर्गेनाइज़र के। और आपको बताती हूँ कि इस ऑर्गेनाइज़र में मैं क्या क्या रखने वाली हूँ। तो फर्स्ट में रख रही हूँ मैं आईलाइनर। यहाँ मेरे पास दो तीन आईलाइनर हैं, कुछ परफ्यूम है छोटी वाली, तो ये मैं फर्स्ट वाले पार्ट में रख रही हूँ। क्लचर, ये भी सेम प्रॉब्लम होती है कि टाइम पे मिलता नहीं है, अच्छे वाले क्लचर को हम इधर उधर रख देते हैं, जो हमें खोजने में प्रॉब्लम होती है। तो आप यहाँ पर इस तरह से इसे रख सकते हैं। पार्ट में मैं इस तरह का गर्डर रख रही हूँ। हम खरीदते तो बहुत ज़्यादा है लेकिन टाइम पे मिलते नहीं है, खो जाते हैं, इधर उधर रख देते हैं। तो इस तरह से पार्टीशन करके मैं इसमें सारे गटर को रख रही हूँ। डेली यूज़ का मैं यहाँ सामान रख रही हूँ कि डेली यूज़ में जो आप चीज़ यूज़ करते हैं उसे आप अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखें। लास्ट पार्ट में मैं रख रही हूँ अपने डेली वेयर में पहनने वाले इयररिंग्स, यानी छोटे छोटे इयररिंग्स, छोटे छोटे क्लिप्स, ये वाली क्लिप्स। तो ये सारी चीज़ें जो डेली यूज़ हम करते हैं लेकिन डेली यूज़ करने के दौरान हमें समय पर वो सारी चीज़ें नहीं मिलती है, तो एक ऑर्गेनाइज़र लेके मैंने इसका पार्टीशन करके सारी चीज़ों को अरेंज करके रखा है। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे मैं किस तरह से रखूँगी। तो फर्स्ट सेल्फ इसका खोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसे ऐसे नहीं रखूँगी। यहाँ पर मैंने लगाया एक लाइनर, आप यहाँ पर लाइनर लगा सकते हैं। इस तरह का लाइनर आपको बहुत ही ऑफलाइन या ऑनलाइन बहुत सारे वैरायटीज़ मिल जाते हैं। अच्छा रहता है, सुंदर लगता है। प्लस इसे आप धो के, जब ये गंदा हो जाए आप इसे धो के फिर से यूज़ कर सकते हैं। और अदरवाइज़ यहाँ पर आप न्यूज़पेपर लगा सकते हो या कलरफुल पेपर भी लगा सकते हो। तो इसे अच्छी तरह से ग्लू गन से स्टिक कर दे या डबल टेप से आप स्टिक कर दे ताकि ये इधर उधर ना हो। और सबसे पहले मैं इसमें रख रही हूँ अपना इयररिंग ऑर्गेनाइज़र, यानी इस वाले डब्बे को यहाँ मैं रख रही हूँ। इसके बगल में मैं रख रही हूँ अपने डेली वेयर के जो यूज़ करती हूँ वो सारी चीज़ें, उसके लिए जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया है। यहाँ पर लिया है इस तरह का एक मटका, जो आप मैंने ये किचन से लिया है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी ले सकते हैं, आप अपने सेल्फ की जगह के अनुसार, आपका सेल्फ जितना बड़ा है जो चीज़ में आती है आप वो चीज़ ले सकते हैं। और इसमें मैंने डेली वेयर के यूज़ होने वाले क्रीम्स को रखा है, लाइक सनस्क्रीन क्रीम, मॉइस्चराइज़र, बेबी क्रीम, तो ये सारी चीज़ मैंने इसमें रखी है। एंड मुझे वॉचेस का बहुत शौक है, तो मेरे पास दो तीन वॉच है, तो इसे भी मैं यहीं पर रखूँगी। एक मेरे हस्बैंड का वॉच है, वो मेरा नहीं है तो इसे भी मैं यहीं पर ऑर्गेनाइज करके रखूँगी ताकि ये आराम से मिल सके। एंड कुछ पार्ट मुझे यहाँ पर खाली दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं लूज़ पाउडर रख रही हूँ। तो यहाँ मैंने एक बेबी का पाउडर रखने का सोचा, बट इसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर है तो ये ठीक से बंद नहीं होगा। तो इसे मैं कहाँ रखूँगी ये मैं आगे आप लोग को बताती हूँ। तो अब मैं रखनी हूँ यहाँ पर कुछ लिपस्टिक। मेरे पास मेकअप का बहुत ज़्यादा सामान नहीं है लेकिन सफिशियंट सामान मैं रखती हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लगाती हूँ। तो जो चीज़ डेली यूज़ करती हूँ उसे मैं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में रखती हूँ, अच्छे से रखती हूँ, प्यार से रखती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं हैक्स को देखने की और हम क्या क्या यहाँ पर कर सकते हैं। नाउ दिस सेक्शन इज़ कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज्ड, आप देख सकते हो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसे ऑर्गेनाइज्ड कर दिया है। आप भी अपने ड्रेसिंग टेबल के सेल्फ को इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। तो यहाँ मैंने लिया एक मग सेट, इसमें टी कप एंड मग का आपके पास ये घर में ज़रूर होगा, तो इससे आप बहुत ही सुंदर सा DIY बना सकते हो। तो सारे सामान को मैंने हटा लिया है। मेरे इस मग सेट का कलर बहुत ही सुंदर है, वुडन टच लग रहा है, तो मैंने इसमें कोई कलर पेंट वगैरह नहीं किया है, एज इट इज़ इसे यूज़ कर रही हूँ। तो और सबसे पहला पार्ट में मैं रख रही हूँ अपने नेल पेंट्स, सेकेंड पार्ट में मैं रख रही हूँ अपने आईलैसेस, एंड आईलैसेस का जो ग्लू होता है वो रख रही हूँ, जो हमें एंड टाइम पे नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें अरेंज करूँगी। थर्ड पार्ट में मैं रख रही हूँ बिंदी, क्योंकि सारी बिंदी इधर उधर रह जाती है, कभी टाइम पे मिलती है कभी नहीं मिलती है, तो बिंदी को भी मैं इसी में अरेंज करके रखूँगी। एंड नाउ फोर्थ पार्ट में मैं रख रही हूँ अपने बॉबी पिन्स एंड क्लिप्स। आई स्वेयर ये सारी चीज़ें आपने बहुत बारी खरीदी होगी और हर बारी खो जाती है, लेकिन आप अगर इस तरह से अरेंज करके इसे रखिएगा तो ये कभी नहीं खोएगा।
एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं रख रही हूँ अपने नेल पेंट रिमूवर एंड कुछ विटामिन ई के कैप्सूल्स एंड मेरे कुछ बहुत सी सुंदर सुंदर से क्लिप्स है, छोटे छोटे क्लचर है, वो भी मैं इसी में रख रही हूँ। यूज़ बहुत कम करती हूँ ये सारी चीज़ों का, बट ख़रीदने का शौक है तो ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ रख रही हूँ, शायद ही कभी इसे यूज़ कर लूँ जो का पार्ट। एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं अपने रख रही हूँ सेफ्टी पिंस, इसे मैंने इस तरह के एक अलग से कटोरी में करके रखा है ताकि इसे एक्सेस करने में मुझे आसानी हो, और इसका बस ढक्कन लगा देंगे। मैंने एज इट इज़ यूज़ किया है, ना कोई पेंट किया है, ना ही किसी तरह का कोई डिज़ाइनिंग की है, क्योंकि डब्बा ही इतना सुंदर है तो मैं इसे ऐसे ही यूज़ करूँगी। तो नेक्स्ट सेल्फ में भी मैं एक लाइनर लगा रही हूँ, यहाँ पर वॉलपेपर है तो इसे मैं इस पर लगा रही हूँ। एंड नाउ इस पार्ट में मैं रख रही हूँ जो चीज़ मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, उसे रख रही हूँ लाइक दिस टाइप ऑफ ज्वेलरी जो बहुत ही कम यूज़ होता है, लाइक कोई पार्टी वेयर में हम यूज़ करते हैं। और भी कुछ मेरे पास ज्वेलरीज है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इस तरह की ज्वेलरी बहुत कम यूज़ होता है तो इसे मैं नीचे वाले सेल्फ में रख रही हूँ। एंड नाउ इसमें मैं रख रही हूँ मग सेट वाला ऑर्गेनाइज़र। आपने देखा कि इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं जो कम यूज़ होती है, फ्रिक्वेंट यूज़ इस चीज़ को हम नहीं करते हैं, तो इस सेल्फ को मैंने बहुत ही अच्छे तरह से टाइम दिया है। वाइप्स यहाँ पर रख रही हूँ एंड दिस सेल्फ इज़ कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से सारी चीज़ें को ऑर्गेनाइज किया। फर्स्ट सेल्फ में वो सारी चीज़ें रखी है जो मैं फ्रिक्वेंट यूज़ करती हूँ, इसके नीचे वाले सेल्फ में वो सारी चीज़ें रखी जिसे मैं कम यूज़ करती हूँ। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हम स्टैंड करके ही रख सकते हैं, उन सारी चीज़ों को मैं कहाँ रखूँ। तो यहाँ मेरे पास इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र है, ये मेरी बेबी का ये मेरी बेबी का बुक सेल्फ है, यहाँ पर उसके सारे बुक्स वगैरह रहते हैं। वो अभी छोटा है तो कुछ ज़्यादा नहीं है अभी उसके पास, बट जो भी है या नीचे उसके टॉयज है तो जो भी है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इसका रखती हूँ। एंड अपर सेल्फ मैं अपने लिए डेडिकेट कर दी हूँ। तो यहाँ एक ऑर्गेनाइज़र लिया है, इसमें कंगी कॉम जो भी आप यूज़ करते हो उसे मैं यहाँ पर रख रही हूँ। और जो मैंने इस तरह का सेम ऑर्गेनाइज़र में अपने स्टैंड वाली चीज़ रखी थी वो भी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं रख रही हूँ बॉडी लोशन एंड देन वो वाला पाउडर जो वहाँ पर फिट नहीं हुआ था, जिसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी। कुछ आर्टिफिशियल प्लांट मैं यहाँ पर रख रही हूँ ताकि इसका लुक सुंदर लगे, ये मेसी ना लगे। एंड यहाँ पर ऐड कर रही हूँ डिओड्रेंट को। तो जो ये सारी चीज़ इसेंशियल है, फ्रिक्वेंट यूज़ होते हैं, इसे मैं टॉप सेल्फ में रखी हूँ ताकि इसे लेना आसान हो जाए। तो हो गया ड्रेसिंग कॉर्नर पूरी तरह से ऑर्गेनाइज। आप देख सकते हैं आप भी इस तरह से अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सुंदर लगेगा, अरेंज लगेगा, ऑर्गेनाइज वे में लगेगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक ज़रूर कर दे, बिल्कुल ये फ्री है, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए मैं मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ आप लोग के। बाय बाय।